नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं अपना बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष चरा हटके। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। बहुत बहुत आनंद आता है जब हम इस कार्यक्रम को लेकर के आते हैं। आप समझ लीजिए कि 3-4 कार्यक्रम के बाद जब ये कार्यक्रम का नंबर आता है शूट करने का, तो अपने आप हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम हम उन लोगों के लिए लाते हैं जिनको ज्योतिष विज्ञान में रुचि होती है, जो तर्क समझते हैं, जो आज के युवा हैं। और अगर आपका कोई इष्ट मित्र, दोस्त यार, रिश्तेदार ये कहे अरे ज्योतिष कुछ नहीं होता, अंधविश्वास है, ऐसा है वैसा है, उसको ये कार्यक्रम जरूर दिखा दिया करिएगा। बस उसको एक लिंक सेंड कर दिया करिए उसके व्हाट्सएप पे, समझ में आ जाएगा। खैर, विषय पर आते हैं। आज दाहिने हाथ में जल लेकर कुछ करवाऊंगा शयन से बिस्तर पर जाने से ठीक पहले। तर्कों में जिएंगे मजा आ जाएगा, नहीं मिलेगा कहीं। खुला चैलेंज है, कहीं मिल ही नहीं सकता ये विषय। मतलब क्योंकि ये शोध ही अलग है ना, चंद्रमा और नेपच्यून की युति का शोध है ये। ज्योतिष के जानकार लोग समझ जाएंगे कि चंद्र और नेपच्यून अगर किसी की कुंडली में युत है, इतिहास यहीं से बनता है। जल, चंद्रमा, जल हमारी कुंडली की धुरी, जल शुभ, जल लाभ, जल सुख, जल प्रामाणिकता, जल मां, जल जीवन, दाहिनांग सूर्य, हाथ बुध, पराक्रम थर्ड हाउस। पूरे दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त तक के अंदर में, या सूर्यास्त नहीं, शयन करने तक आप जाने अनजाने कुछ ऐसे कृत्य कर जाते हैं जिन कृत्यों के कारण आप आने वाले समय पर थोड़े बहुत दुख या बहुत ज्यादा दुख, कष्ट, पीड़ा पाने लग जाते हैं। ये सारे कृत्य शयन से पहले हुए हैं, बिस्तर पर जाने से पहले हुए हैं। आंख बंद करके सो रहे हैं तब थोड़ी ना कुछ होगा। सोने से पहले ये स्थितियां, शयन से पहले की ये सारी स्थितियां आपके लिए कष्टप्रद होती हैं, आपके लिए दुखदाई होती हैं, अगर आप इसको माने और समझें तो। मानने और समझने पर ही होती हैं। अब अगर आपने मान और समझ लिया, तो अब आइए हम आपको एक प्रयोग बताते हैं जो सोने से ठीक पहले करना है और आनंद उठाना है। रूटीन में अगर आपने इसको लाया तो ठाकुर जी की कृपा है, माँ भगवती की कृपा है, अनुकंपा है, अगर वो हमारी जिह्वा पर सरस्वती विराजमान हैं तो निःशुल्क आप लोगों को हम इतना दे देते हैं इस कार्यक्रम के द्वारा कि जो आप खरबों खर्च करके भी नहीं पाएंगे। क्या उपाय करना है? बिस्तर लगा है, आप बिस्तर पर बैठ जाइए। पांव जमीन से बिस्तर पर रखने से पहले दाहिनी हथेली में थोड़ा सा पानी रखिए। आंखों को बंद करिए, अपने पिता और माँ को बस याद करिए, उनका चेहरा याद करिए। जीवित हैं तो, मृत हैं तो, उनको याद करना है बस। और मन में बस एक बात दोहराना है कि हे माँ गंगा, जो हाथ में जल लिया आपने, हे जल देव, हे माँ गंगा, हे जल देव, आज हमारे द्वारा जो भी
किसी के लिए भी, अपने लिए भी कष्ट प्रद कार्य हुए, दुख प्रद कार्य हुए, हमें उसके लिए माफ कर दीजिएगा। हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और आगे से ऐसे कृत्य हमसे ना हो, इसके लिए आप हमें आशीर्वाद दें। जल को जमीन पे ऐसे ही गिरा दीजिए और छू करके प्रणाम कर लीजिए, बस सो जाइए। इतना सा रोज करना है, रूटीन में लेते आइए, मृत्यु पर्यंत तक, मरते दम तक करते रहिएगा। रोज करना है, क्या मिलेगा इससे? आपसे कोई गलत कार्य हो ही नहीं सकता। चंद्रमा का प्रभाव, जल का प्रताप आपको निष्पाप कर देगा। आपको गंगा स्नान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जाकर के। अद्भुत प्रयोग है, अभी इस पे मैं 2-3 घंटा बोल सकता हूं, समय कम होता है। लाभ लीजिए, आनंद उठाइए, वीडियो को दबाकर शेयर करिए और जितना हो सके हमें अपना मोहब्बत देते रहिएगा। बहुत बहुत आभार आप लोगों का ये प्यार बनाए रखने के लिए। ये आपका अपना चैनल है, आपका अपना कार्यक्रम है, इसे जितना हो सके शेयर किया करें, लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने में मदद करें और मोहब्बत हमारे साथ बनाए रखें। नमस्कार, श्री राधे।